हेलो फ्रेंड, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया। बढ़िया तो होंगे ही। कैसे आप है ना, बोलने का मौका है। द अनस्पोकन, मतलब जो बोला नहीं है वो भी बोलने का मौका है। कैसे राज एक नई पिक्चर में डेब्यू करने जा रहे हैं। पहले तो स्वागत करेंगे राज आपका साजू और बेटिया में। जानना चाहेंगे आपका ये जो डेब्यू फिल्म है इसके बारे में, क्या है ये फिल्म और क्या है आपका उस फिल्म में किरदार? तो ये फिल्म बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में है, LGBTQ है, जो फाइनली एक्सेप्ट हुआ इंडिया में कुछ साल पहले। और ये फिल्म है एक माँ के बारे में जो अपनी उनके हस्बैंड, मेरे फादर, मर गए थे बहुत साल पहले। और उन्हें बहुत साल बाद रियलाइज हुआ कि वो प्रेम करती है लड़कियों से, और ये बात छुपा अच्छा, के रखती है 1 साल तक। और एक दिन मैं घर आता हूँ जल्दी, और मैं उनको देखता हूँ एक और लड़की के साथ। और ये कैसे, ये स्टोरी जाती है कैसे कि एक बेटा एक्सेप्ट करता है अपनी माँ को कि वो एक औरत से प्यार करती है, और उसका रिएक्शन कैसा होता है, और वो कैसे उसको सहमाता है और उसको बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ और आप ये रिलेशनशिप में आगे जा सकते। देखिए ये सब चीजें ना आज ही की जनरेशन कर सकती है, जो इतनी समझदार हो रही है और रिश्तों और प्यार के मायने समझ रही है। क्यों, सही कही कि नहीं? हाँ सही बात है। अच्छा, पहली बात तो ये जाना, देखिए आपने बहुत सारी पिक्चरों में पर्दे के पीछे रहकर काम किया है, अब पर्दे हाँ के जी, सामने आकर काम कर रहे हैं, हाँ तो जी, कितनी एक्साइटमेंट है और क्या कहेंगे, क्या बोलते, कितनी खुशी है जो जाहिर करना चाहते हैं आप अपने फैंस के सामने? ये मेरा सपना था जब से मैं छोटा था, और ये हर किसी से आप सुनोगे अगर एक्टर बनेगा, कि सब बचपन से सपना था एक्टर बनने का। पर बिल्कुल मेरी एक्टर थी और मैंने उनको स्क्रीन पे काफी देखा है। और मुझे अभी भी याद है, हमारे पहले वो बड़े वाले टीवी आते थे, अभी LED LCD आते हैं, छोटे एकदम थिन वाले टीवी, पहले एकदम वो बड़े टीवी आते थे, तो वो लिविंग रूम में होता था। तो हम सब शाम को बैठ के, मॉम शूटिंग में होती थी तभी मॉम का शो देखते थे। और मुझे अभी भी याद है, मैं टीवी के पास जाता था, टीवी को जोर जोर से मारता था और रोते रहता था, क्योंकि मैं मम्मी को किसी और के साथ देखता था, किसी और बेटे के साथ, अच्छा, तो मुझे अच्छा नहीं चिड़। लगता था। तो मुझे वो इंस्टेंस बहुत अच्छे तरह से याद है। और जब ये थोड़ी समझ आई तो मुझे समझ आया कि हाँ, मुझे भी यही करना है, यही फील्ड में जाना है। और SRK, शाहरुख खान, और मेरे हमेशा से फेवरेट रहे, और उनके गानों पे बचपन से नाचता हुआ आया हूँ। तो मैं बोला हाँ, यही चीज़ करनी है मुझे आगे आके। और फिर मैंने असिस्टेंट डायरेक्शन किया, मॉम ने बोला ये जा तू कैमरा के पीछे सीख पहले, क्या चलता है, कैसे चलता है बिल्कुल सेट पे, लोग कैसे, लाइटिंग कैसे देते हैं। तो तुझे भी समझ आएगा कि तू जब सेट पे जाएगा तू, मतलब तुझे पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, और सब काम इजीली बिल्कुल होना चाहिए। और हाँ, तो इसके लिए मैंने असिस्टेंट डायरेक्शन किया मिशन मजनू में, जो अभी आई नेटफ्लिक्स पे, और लक्ष्मी बॉम में, और 3-4 ऐड किए मैंने, और एक वेब सीरीज की। तो बहुत सीखने को मिला, बहुत लोगों से मिलने को मिला, और बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट बन गया देखिए, कौन उसके कहेगा बाद। इस चीज को नेपोटिज्म है? नेपोटिज्म में तो बैठे बैठे मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको पर्दे के पीछे रहकर मेहनत करनी पड़ी है। मेहनत हाँ की जी, है तो उसका फल अब जाके मिल रहा है। अच्छा, सही वैसे बात, दर्शकों को बता दें कि इनकी मम्मी का नाम है पूजा घाई, जिनको आप स्टार प्लस के बढ़िया वाले सीरियल में देख चुके हैं, और वो एक जमाने की हिट हीरोइन और घर घर की बहू कहते हैं ना, वो रह चुकी है। अच्छा राज, जब आप स्कूल में बचपन में जाते थे तो सब तो जानते होंगे आपकी मम्मी सीरियल में नजर आती है, तो आपका एक अलग ही एकदम औदा रहता होगा, सब एकदम अलग ही भाव देते होंगे आपको। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। मैं सबके जैसा ही था, सबके साथ ही रहता था, और कुछ ऐसी बात थी नहीं। बट हाँ, मेरे को अभी भी याद है, मैं स्कूल एक बार या दो बार हुआ है, जब मैं बहुत छोटा था, जब मम्मी तभी भी एक्टिंग कर रही थी, तो स्कूल में आई थी वो, मुझे शायद से पिकअप करने, मेरे बर्थडे के लिए आई थी। तो पहले बचपन में क्या होता था, मॉम आ जाती थी बर्थडे पे और केक काटती थी मेरे साथ स्कूल में। तो तभी सब आए थे और उन लोग ने ऑटोग्राफ लिए थे, और मेरे को याद ही है। बट हाँ, इतना कभी बर्ताव लोगों का अलग नहीं रहा है मेरे आजू बाजू, अरे वाह, बढ़िया, सब सेम मतलब ही। हाँ जी, आम जनता की तरह है और आम जनता की तरह मेहनत की है और आम जनता की तरह अब बड़े पर्दे पर भी नजर आने वाले हैं। अच्छा, द अनस्पोकन के बारे में जानना चाहेंगे, इसमें जो आपका किरदार है वो क्या है? मतलब कैसे, वो अपनी मम्मी की मदद तो कर रहा है, लेकिन एक होता है ना सेड बोलते हैं कि अच्छा बच्चा है या शर्मीला बच्चा है या एकदम ग्रे शेड का है, कैसा है? ये कैरेक्टर आप और मैं जैसा है, जैसे
बहुत ही नॉर्मल लाइफ जी रहा है अपनी। अभी वो क्लासेस पे जाता है, फुटबॉल खेलने जाता है। और तो बेसिकली हमने क्या बनाने की कोशिश की थी एक एक्टर की, कि ये शर्मीला तो बिल्कुल नहीं है और नॉर्मल है एकदम, जैसे कैसे समझाओ, जैसे माँ से क्लोज बॉय है, नेक्स्ट डोर। बॉय नेक्स्ट डोर जैसा कैरेक्टर है और माँ से बहुत क्लोज है, क्योंकि अरे वाह, फादर का भी था नहीं आजू बाजू में, तो ऑब्वियसली मदर से उसका रिलेशनशिप बहुत क्लोज है। बट वो हिल जाता है जब वो अपनी माँ को ऐसे देखता है, क्योंकि वो प्रोसेस नहीं कर पाता, वो भी शॉक में रहता है। इसके लिए उसका पहला रिएक्शन एकदम शॉक में है, जैसे आप फिल्में देखेंगे अगर, फिर वो समझने की कोशिश करता है और वो देखता है, जैसे फिल्म में वो अपने माँ को रोते हुए देखता है, उससे समझ कि माँ रो रही है अपने मेरे फादर को देखते हुए, तो वो सिचुएशन समझने की कोशिश करता है। और फिर दूसरे दिन माँ का बर्थडे होता है, तो वो माँ के लिए केक लाता है, डेकोरेशन करता है घर पे, और वो अपनी माँ की प्रेमिका को बुलाता है घर पे और अच्छा, दोनों के लिए चाय बना के रखी है, और वो मतलब माँ को दिखाना चाहते हैं बिना बोले कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया आप जो कर रहे हो। अरे वाह, मतलब बिना तो कहे ही बहुत कुछ कह रहा है ये लड़का। हाँ जी, क्योंकि हम लोग का ये तो था कि हमें साइलेंट फिल्म बनानी है, बट ऐसी चीजें हो जाती है फिल्म में कि आपको जहाँ डायलॉग कभी कभी चाहिए होता है। बड़ी सिचुएशन ऐसी थी कि ये कुछ बोलने को था ही नहीं उसके पास, दोनों के पास कुछ था ही नहीं, क्योंकि सिचुएशन इतनी हैवी थी इमोशनली और स्टेक्स इतने हाई थे, तो ऑटोमेटिकली मुझे लगता है कि वो फिल्म अनस्पोकन ही हो गई। बिल्कुल। वैसे देखिए, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिन कहे ही समझ जाए तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अब एक्टिंग की बात करेंगे। आपने देखिए, पहले ट्रेनिंग तो अपनी खूब ले ली पर्दे के पीछे। जब एक्टिंग के लिए सामने उतरे, जब पहली बार कैमरा एक्शन रोल हुआ और आप एक एक्टर के तौर पर डायलॉग बाजी करने के लिए उतरे, तो वो उस समय का जो एक होता है ना, 1 मिनट का जो फीलिंग होता है, वो 1 मिनट वाली फीलिंग बताइएगा, कैसी रही उस समय की फीलिंग जब डायरेक्टर ने बोला रोल? तो मेरी पहली फिल्म तो यही थी जो अच्छे तरह से मतलब की मैंने, और ऑब्वियसली मतलब ऑडिशन ये वो दिया है, बट वो हमेशा मतलब घर के स्पेस में होता है, क्योंकि कोविड कोविड में मैं कोविड एक्टर बुलाया जाऊंगा, क्योंकि मैंने कोविड में चालू किया ऑडिशन देना, बातचीत तो बहुत कंफर्टेबल हो गया। बट कैमरा के जैसे जैसे आए और लोग आजू बाजू में आए, तो ऑब्वियसली वो नर्वस, आपको नर्वस फीलिंग हो जाती है आजू बाजू लोगों के। पर मैं कैरेक्टर में इतना था, मेरे को लगता है कि क्योंकि इतना इमोशनली हैवी कैरेक्टर था वो मेरे लिए, कि मुझे प्रेपरेशन करना बहुत पड़ा उसके लिए, तो अच्छा, उसमें मैं कैरेक्टर में था, तो मुझे वो पहले मिनट वाली 10 मिनट वाली फीलिंग आई नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अरे तो वाह। अच्छा, तो अच्छी बात ये है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब ये देखिए ट्रेलर भी आया है, लोगों ने देखा है, आपकी मम्मी ने भी देखा होगा। हाँ तो जी ये बताइए, जब द अनस्पोकन का जो प्रोमो है, जब आपकी मम्मी पूजा ने देखा, तब उनका पहला रिएक्शन था? देखिए, मम्मी जो होती है या परिवार का सदस्य जो होता है, वो सब चीजें बताता है, अच्छा भी और बुरा भी। तो ये बताइए, उन्होंने क्या क्या चीजों का आपको फीडबैक दिया? तो मेरी मॉम ऑनेस्टली मतलब मेरी माँ तो है, बहुत प्यार करती है मुझसे, बट वो सबसे क्रिटिकल इंसान है मेरी जिंदगी में, तो अच्छा, वो हर नुक पकड़ेगी, हर चीज पकड़ेगी और बताएगी कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, बट हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो एक जन है जो मुझे प्रॉपर क्रिटिकल रिव्यू देती है मेरे काम का, और फिर मैं उस पर मेहनत करने जाता हूँ। तो मॉम ने ऑब्वियसली, मैंने एडिटिंग जब की, फर्स्ट एडिट आया फिल्म का, तो मैंने मॉम को दिखाया और सबको दिखाया परिवार में, और सबको अच्छा लगा, बट मॉम ये है जो मुझे क्रिटिकल रिव्यू देती है, तो बोला ये निकाल, ये डाल, ये देख तेरा इमोशन नहीं आ रहा है इसमें, कोई और देख अगर तुझे अच्छा लग रहा है, इसमें और कोई टेक है जिसमें अच्छा लग रहा है, बोला हाँ ठीक है, तो क्रिटिकल रिव्यू देती है मुझे प्रॉपर। अरे वाह। अच्छा, अब बॉन्डिंग की बात की जाए, जैसे इस सीरियल में भी दिखाया गया आपकी और आपकी मम्मी की बॉन्डिंग, रियल लाइफ में हम जानना चाहेंगे राज, आपका और आपकी मम्मी का बॉन्डिंग कैसा है? मतलब मम्मी डांटती फटकारती भी है या फिर प्यार ही प्यार से सब कुछ समझाती है? नहीं, दोनों दोनों है एकदम, और दोनों एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं घर में। मॉम ऑब्वियसली अभी दुबई में रहती है, तो इतना मिलना जुलना मॉम के साथ होता नहीं है, मैं महीने में एक बार चले जाता हूँ मॉम से मिलने के लिए, वरना बोलती मैं तुझे घर से निकाल दूंगी अगर तू मिलने नहीं आया मुझे, तो वैसा प्यार है। तो बट अच्छा, हाँ, मॉम और मेरा मतलब दोस्त दोस्ती और यारी वाला प्यार है एकदम। हम
अकेले टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम मूवी के लिए चले जाते हैं, हम कभी डिनर के लिए चले जाते हैं, और मैं उनको जाके यूजली दुबई में सरप्राइज कर देता हूँ आजकल। तो बोलती है काम कर काम कर, और फिर कभी कभी मैसेज आएगा रात को कि मैं तुझे बहुत मिस कर रही हूँ आ जा कल। फिर मैं मम्मी को बताऊंगा नहीं, वो टिकट बुक करके निकल जाऊंगा उनको मिलने के लिए। बस मम्मी की डिमांड, मम्मी की फरमाइश की देरी है और आप निकल जाते हैं मिलने के लिए। हाँ जी, जो मम्मी को चाहिए बस। देखिए हम तो यही चाहेंगे कि जिस दिन पूजा इंडिया आए तो आप सबसे पहले हम ही लोगों को बताएं ताकि हम आपके और आपकी मम्मी के साथ बढ़िया सी स्टोरी कर सके, आपसे मिल हाँ सके। जी हाँ जी अच्छा अब जाते जाते ये बताइए, देखिए कैमरे के पीछे तो बहुत सारी सीरियल और फिल्में कर ली है, अब आपकी एक पिक्चर आई रही है, इसके अलावा राज और भी ऑडिशन दिए होंगे, कहीं ना कहीं तो आने वाले होंगे। काफी ऑडिशन तो दिए, सब प्रोसेस में है, जब आएंगे वापस तो काम चालू होगा। बट हाँ अभी खुद पे ही काम चल रहा है, मैं डांस क्लास जाता हूँ सुबह को और गणेश आचार्य जी के साथ, और काम कर रहा हूँ डांस क्लास सिखा, उनसे सीख रहा हूँ मैं डांस, और मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ और जिमिंग कर रहा हूँ, तो उसमें काफी बिजी रह जाता हूँ। और ऑडिशंस के लिए फिर ऐसे हो जाता है कि टाइम निकालना पड़ता है, जबकि वो मेन मेरा फोकस है। बट हाँ ऑडिशन तो काफी दे रहा और देते जा रहा हूँ मैं, बट देखते हैं कैसे जाता है। एक चीज आखिर में पूछना चाहेंगे, कभी आपको इस चीज का फायदा मिला है कि अरे इनकी मम्मी पूजा घाई है, इतनी बढ़िया एक्टर है, तो एक काम करते हैं रात मैंने को कभी भी या नहीं, ऑनेस्टली फिर स्पीकिंग, मैं कभी भी सेट पे जाता हूँ, पहले भी काम कर रहा था असिस्टेंट डायरेक्शन में और अभी भी एक्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं कभी भी बोलता नहीं हूँ कि मैं हाँ पूजा घई का बेटा हूँ। अच्छा वो मेरा है कि मुझे खुद के मेरिट पे काम लेना है और काम करना है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत जी अच्छा। और हम तो यही कहेंगे कि आप ऐसे ही मेहनत करिए, अपने नाम अपने दम पर अपना नाम बनाने की खुशी ही अलग होती है, और हमें लगता है आपकी उस खुशी में आपकी मम्मी दुगना शामिल होंगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मुलाकात करेंगे थैंक यू नई सो कहानी मच। और नए किरदार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी दर्शकों से एक ही चीज कहेंगे, जाने से पहले सास और बेटे का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, कैसे खबरें देखनी है टीवी छोटे पर्दे की, बड़े पर्दे की और ओटीटी प्लेटफॉर्म की, सब खबरें देगा सास और बेटियां। कल फिर मुलाकात करेंगे, अभी जाते हैं, बाय।